मैंने राणा जी से की, उन्होंने डंगे लगा दिए। मतलब डंगे लगे है तो जब हम तो सोए, खरे रात को भी नींद भर सोते हैं। वो जो पहले लगे थे वो थे पहले राणा जी ने लगाए थे। हाँ जी, राणा जी ने लगाए थे पहले। ये किसने लगवाए थे? ये राणा जी ने लगवाए थे सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल। इसमें ग्राउंड जीरो रिपोर्ट अगर हम दिखाते हैं तो सुजानपुर नगर परिषद के अंदर ये जो रास्ता आ रहा है, ये आप देखिएगा पीछे सड़क का क्या हालत, कितनी खस्ता हालत इस समय सड़क की है। ये आप देखिएगा कि यहाँ से आना जाना कितना मुश्किल हो रखा है। इधर ही हमारे साथ कुछ कराती रहे, आपसे बात करवाएंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम कैप्टन प्रकाश है। प्रकाश जी, आप यहाँ पे रहने वाले, ये कौन सी जगह का नाम है? ये है पलाई जोल पंचायत पलाई। हाँ जी, ये पलाई जोल की जगह है। सर ये बताइएगा, आप यहाँ से आते जाते हैं, ये कब से ये टूटी हुई सड़कें हैं? रात को बारिश हुई तब टूटी। अच्छा, पहले साफ सुथरी है? पहले साफ सुथरी थी। तो ये देखिएगा बरसातों में जो ये हालात इनके, देखिएगा ये कितना उबड़ खाबड़ है। यहाँ से जो लिंक रोड है यहीं से निकल के जाते हैं। यहाँ से आप पीछे दिखाइए, ये भी एक रास्ता है जो कि टूट के एकदम जर्जर हो चुका है, और जर्जर हालत में ये पूरा रास्ता है। रास्ता है पूरा, ये रास्ता है मुर्दघाट को, रास्ता जाता है सीधा। ठीक है, तो ये देखिएगा रास्ते का हाल देख लीजिएगा। आइएगा आप मेरे साथ साथ चलिएगा, देखिए ये रास्ता है, और रास्ते की इतनी जर्जर हालत, इतनी खस्ता हालत है कि घरों में पानी घुसते हैं। कौन से डंगे बताओ जी, कौन से ये किसने लगवाए थे? ये राणा जी ने लगवाए थे सर। राणा जी ने लगवाए थे, और नीचे वो भी लगा डंगा सर। अच्छा, ये बारिश में हिल जाते हैं? हाँ जी, बारिश में लगे सर। इसमें हम जोल पलाई में खड़े हैं, जहाँ पे एक मुख्य समस्या, अभी कल रात को जो बारिश, भारी बारिश हुई थी, उससे इनके घरों में पानी अंदर घुस गया था। अभी हम आपसे बात करवाएंगे, जो यहाँ के निवासी आप देख सकते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके घरों में पानी घुस गया था, उनकी क्या समस्या है अभी हम जानना चाहेंगे। एक मिनट आ गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए। प्रकाश चंद जी। प्रकाश जी, कितना पानी यहाँ अंदर घुस जाता है और कितना नुकसान हो रहा है? सर ये देखिए ना, आप दिखाइएगा जी, ये पीछे दिखाइएगा। पाँच छः फुट ऊपर पानी चला था। हाँ जी हाँ, यहाँ से होकर निकल गया पानी। ठीक है, नीचे से पानी घरों में घुस गया। घरों में घुस गया। तो इस समय हम जोल पलाई में खड़े हैं, जहाँ पे रात को बरसात का पानी इनके घरों में घुस गया था। इनकी जो मुख्य समस्या इस समय, जो इनके घरों में बरसाती पानी घुस जाता है, उसकी ये बता रहे हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। प्रकाश चंद सर। प्रकाश जी, ये जो पानी आने की समस्या सिर्फ बरसातों में होती है? बरसातों में होती है सर, बरसातों में। और इसके अलावा और कोई समस्या आपके लिए? नहीं सर जी। तो ये इससे कैसे, मतलब जो बरसात का पानी तो हमेशा था, पानी जो सड़क की वजह से नीचे रोड बना रहे हैं, ये नीचे रोड की वजह से यार पानी आ रहा पूरा ये। अच्छा, रोड खुदवाई कर दी थी सर इन्होंने। जी जी। तो इसका समाधान कैसे हो सके? समाधान रोड डंगे डूंगे क्रेट वाल लगता ही होना इससे। तो इसके लिए किसी ने किया आज तक काम कभी? नहीं, वो जो पहले लगे थे वो थे पहले, राणा जी ने लगाए थे। हाँ जी, राणा जी ने लगाए थे पहले। तो ये देखिएगा कि यहाँ ये बता रहे हैं कि राणा जी ने कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा समाधान करने की कोशिश की थी। तो हाँ जी, नमस्कार जी, अपना नाम दसो कीजिएगा। कृष्ण देवी जी। हाँ जी हाँ, की कल रात की दिक्कत आई तुम? बहुत पानी आया था रात को, तो थोड़ी बारिश थम गई ना, नहीं तो फिर तो ज्यादा नुकसान होना था। तो इधर से फिर खा पै गए, तो इधर पानी आधा आर पार हो गया, तो पानी कम हुआ, जैसे कम नहीं होता है तो फिर घर में तो घुसना था। तो इसके लिए आप किसको, किसी को शिकायत वगैरह की थी? हमने राणा जी से की, उन्होंने डंगे लगा दिए हमारे को, पर वो ये जो बचराता है इसने डंगे तो यदि हो गया है तो पानी तो फिर ऊपर ही आना जी। जब मतलब डंगे लगे हैं तो जब हम तो सोए, खरे रात को भी नींद भर सोते हैं, अब तो हम सुबह के 2 बजे के उठे हैं, पूरी रात नींद नहीं आई हमारे को। आइए एक और हमारे साथ मौजूद हैं, आगे आइएगा आप तो बात करवा दें। हाँ जी आइए आइए, आपको एक मिनट दिखाते हैं जी, जहाँ तक इनके घरों में पानी घुसा था हम आपको वहाँ दिखाने ले चलते हैं। आइएगा आ जाइएगा जी, आगे आइएगा, थोड़ा जल्दी आइएगा। पहले अपना नाम बता दीजिएगा मैडम। मिलापन देवी। हाँ जी, मिलापन देवी। मिलापन देवी जी। हाँ, कल रात को थोड़ा वाकया बताइएगा कि कितने बजे आप, आपको ये रात को 11-12 बजे बारिश लगी थी ना? हाँ जी। तो हम बहुत परेशान हो गए। ठीक है। तो हमारे घरों में पानी घुस जाता, नीचे तक पानी चला जाता, सभी गलियों में आता है। ठीक है, बरामदे के लेवल से आ जाता है पानी। चलिए चलिए, आप एक मिनट दिखाइएगा, थोड़ा सा मौका दिखाइएगा, आ जाओ सर आगे आ जाओ। सुविधा होना चाहिए सरकार की तरफ से, जो जहाँ घरों के अंदर जो इनके पानी घुसा था उसको हम दिखाने चल रहे हैं, ये देखिएगा। हाँ, तो वो काफ़ी उन्होंने थोड़ा सा किया, तो ये दिखाइएगा जी।
सरकार से हमारा अनुरोध है कि थोड़ी हमारी सहायता करें, हमारे घरों को थोड़ा बचाव दे। तो ये देखिएगा, एक मकान इनका देखो नीचाई में है, उसके बावजूद पानी ऊपर तक चलता है, और पानी ऊपर तक चलने के बावजूद इनका जो ये नुकसान है वो कहीं ना कहीं बहुत गहरा नुकसान है। तो ये बताइएगा, इससे पहले मतलब इसके लिए किसी ने आप काम किया है किसी ने? राणा जी ने किया था हमारा काम थोड़ा। हमने बोला था कि हमारे को डंगे लगा दीजिए, उसने डंगे लगा दिए, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये आपने सुना कि इनको जो कल रात से जो यहाँ की मुख्य समस्या है बरसातों के दौरान इनको आ रही है, जो बरसातों में इनके घरों में पानी घुस जाता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान के साथ साथ दूसरा इनका जो माली नुकसान भी जरूर होता है। इस समय ये देखिएगा, जोल पिलाई के दो किसान जिनकी फसल इस बारिश में नुकसान हो गया, और उसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि जो सात जहाँ से पानी जाता था, जो राणा जी ने डंगे लगाए थे, वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। अब एक मिनट आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जगदीश चंद ठाकर जी। किस चीज़ की ये बिजाई है? जिस जो एक मक्की और बाजरी की बिजाई है जी, ये रात 4 बजे पानी बहुत आया, फ्लड आया, और सारे पानी पानी हो गया जी, कुछ घरों में पानी, फसल का बहुत नुकसान हो गया। कितनी की फसल है ये? फसल है मेरे ख्याल तकरीबन कोई 25-30 कनाल। 25-30 कनाल की ये जो इनकी जो फसल थी वो इसमें ख़राब हो गई है, बाजरे की फसल। एक और हमारे साथ है, अपना नाम बताइएगा। मदन लाल जी। मदन लाल जी, आपका आपने क्या बिजाई कर रखी है? चरी बाज रही है। चरी बाज रही है। कितनी कितनी जमीन में ये बिजाई कर रखी है? 5-6 कनाल है। 5-6 कनाल में। ये देखिए, छोटे जो किसान है और इनकी जो मेन आजीविका है 5-6 कनाल में जो ये बिजाई करते हैं, यही इनकी आजीविका है, इनसे ही काम चलाते हैं। जो कि इनकी इस समय मुख्य समस्या ये जो पानी की है, जो बरसाती पानी का सबसे बड़ी इनकी समस्या बनी हुई है।